सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर ब्रोस। तो गाइस, आज मैं आपके सबसे पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि है अपकमिंग के ड्रामास इन हिंदी डब। वेल गाइस, इससे रिलेटेड मेरे को रोज डेली मैसेज आते रहते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ टॉप 5 अपकमिंग के ड्रामास, जो कि आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाले हैं हिंदी डब में। अब इससे ज्यादा गुड न्यूज और क्या होने वाली है के ड्रामा लवर्स के लिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। गाइस, के ड्रामा वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके आप के ड्रामास के बाकी रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, नंबर 5 पे आता है प्रिजन प्लेबुक, जो कि गाइस एक बहुत अच्छा के ड्रामा है। ये के ड्रामा आपको बहुत जल्दी ही आपको हिंदी डब में देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल, स्टोरी लाइन से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस, जिसकी स्टोरी लाइन भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी, प्लस कैरेक्टर एक्टिंग आपको ओवरऑल सभी चीज के अंदर बहुत बेस्ट देखने के लिए मिलने वाली है इस प्रिजन प्लेबुक से। और गाइस, ये के ड्रामा हिंदी में डब हो चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड पे प्रीमियर भी हो चुका है और हमारे यहाँ पे हिंदी डब में भी आ चुका है। वेल गाइस, आप ये सोचे होंगे कि अगर हिंदी डब में आ गया तो आपको और मेरे को अभी तक क्यों नहीं मिला। तो गाइस, वो उसका जवाब ये है, क्योंकि गाइस अभी इसका टीवी प्रीमियर चल रहा है। मतलब कि गाइस, मैं अपनी बताऊं तो गाइस, मेरे घर में तो डिश टीवी लगा हुआ है, तो डिश टीवी में एक चैनल है जो कि कोरियन ड्रामे या के ड्रामे करके है। तो गाइस, उस पे इसका टेलीकास्ट शुरू हो चुका है, मतलब कि एक हफ्ता ही हुआ है उस के ड्रामे को आए हुए, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो गाइस, इस के ड्रामे का प्रीमियर शुरू हो चुका है, जिसमें आपको ये प्रिजन प्लेबुक देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस, उसमें अभी रनिंग में गॉब्लिन जैसे के ड्रामास भी चल रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो बाकी इसके अभी। तो गाइस, नंबर 2 पे आता है K2, जो कि एक बहुत अच्छा के ड्रामा है। वेल गाइस, ये के ड्रामा मैंने नहीं देखा, तो इससे रिलेटेड मैं आपको ज्यादा अपडेट नहीं दे सकता। वेल, मैं ये बता दूं कि एक के ड्रामा आपको जल्दी ही हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा, जिसके कितने एपिसोड है कितने नहीं है वो सब आपको शो हो रहे होंगे, और इनका रन टाइम भी नॉर्मल के ड्रामे जितना ही होगा। इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो जैसे कि बता दिए मैंने देखा नहीं है, तो अगर किसी ने देख रखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये K2 किस तरीके का के ड्रामा है। सो गाइस, नंबर 3 पे जो आता है वो आता है व्हेन द कैमेलियन बूम्स। वेल गाइस, मैं बता दूं, मेरे जितने भी के ड्रामास अपकमिंग के ड्रामास पर वीडियो बनाई हुई है, वो सभी के ड्रामा या तो हिंदी में डब हो चुके हैं या जिनका डबिंग का काम फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो मैं सिर्फ आपके लिए जस्ट ऐसे ही बनाने के लिए कुछ भी नहीं बता दे रहा हूँ, ये सभी हिंदी में डब होने वाले हैं। तो गाइस, इसकी बात करूं तो इसका काम बिल्कुल फिनिशिंग में ही है। ये आपको जुलाई के एंड तक या कहें तो अगस्त के मिड तक देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये किसी भी समय रिलीज हो सकता है, क्योंकि इसका अधिकतर काम फिनिशिंग पर ही है। तो जब भी ये रिलीज होगा मैं आपको इससे रिलेटेड पूरा रिव्यू बना करके डाल दूंगा। तो गाइस, जो नंबर 2 पे आता है वो है Q9I, जो कि एक मस्ट वॉच की कैटेगरी का के ड्रामा है, जो कि गाइस एक मस्ट वॉच कैटेगरी का के ड्रामा है, जिसके IMDb रेटिंग देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी कमाल की IMDb रेटिंग मिली है। वेल, अगर इसी तरीके के ड्रामा हिंदी में डब हो तो फिर तो क्या ही बात है, मतलब बोरिंग के ड्रामास को लोग पहले हिंदी में डब कर दिया करते थे, लेकिन अब थोड़ा मामला चेंज है, अब इंटरेस्टिंग के ड्रामास भी डब होने शुरू हो चुके हैं, जैसे Q9I। वेल, मैं हिंदी डब से पहले सोच रहा हूँ कि इसका रिव्यू बना करके डाल दूँ अपने चैनल पे, आप कमेंट करके बताओगे तो मैं इसको देख करके रिव्यू डाल दूंगा। बाकी अगर ये हिंदी में डब होगा तो मैं देख करके इसका हिंदी डब का रिव्यू भी डाल दूंगा अपने चैनल पे। तो गाइस, इस के ड्रामे के बारे में बात करूँ तो इसकी के ड्रामा मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक के ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि यार नेटफ्लिक्स कोरिया जो भी बनाता है वो हमेशा बेस्ट और मस्ट वॉच ही होता है। तो आप इस के ड्रामे को चेकआउट कर सकते हो, आपको ये जरूर देखना चाहिए। वेल, हिंदी डब का इंतजार करने वाले थोड़ी देर बने रहो मेरे चैनल पे, आपको जल्दी इसका हिंदी डब और हिंदी डब का रिव्यू भी जल्दी मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, अब जो नंबर 1 पे आता है वो आता है विंसेंजो। वेल, अब ये विंसेंजो क्या है नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरे रिव्यू का, जाकर के चेकआउट करो। विंसेंजो मस्ट वॉच कैटेगरी का के ड्रामा है, जिसकी IMDb रेटिंग शो हो रही होगी, और मेरे फेवरेट एक्टर जो कि इसकी मेन लीड में है, मतलब मेरे साउथ कोरियन फेवरेट एक्टर जो कि इसमें मेन लीड में देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो उनकी एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, जो कि एकदम मस्ट वॉच की कैटेगरी का के ड्रामा है। वेल, आपको ये जरूर देखना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने पूरी बातचीत कर दी अपने उस रिव्यू में, तो अगर किसी को चेकआउट करना है, क्योंकि गाइस जब मैंने सुना इस के ड्रामे के बारे में, मेरे फेवरेट मेल लीड के बारे में, तो मैंने इसको सबटाइटल के साथ ही देख दिया। तो गाइस, ये थी 5 के ड्रामा जो कि आपको जल्द ही हिंदी डब में देखने के लिए मिलने वाले हैं। वेल, इसके अलावा कोई और भी के ड्रामास होंगे जो कि हिंदी डब में होने वाले हैं, जैसे ही मेरे को अपडेट मिलेगी मैं अपने चैनल पर तुरंत अपलोड करके आपको बता दूंगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे के ड्रामा वाली प्लेलिस्ट को ओपन करना मत भूलना। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।